आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पेपर वन का, हम लोग को बात करने वाले। देखिए, हमने आपसे पूछा था कि बताइए पेपर वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बाकी है, जो VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो करवाया जाए या पेपर टू शुरू किया जाए। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि पेपर टू ही शुरू रखा जाए, और बहुत सारे बच्चे ने कहा कि दोनों एक साथ किया जाए। देखिए, हमने भी सोचा कि आपका परीक्षा नज़दीक है तो इसको भी करवा दिया जाए और उसको भी साथ 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 दोनों को करवाया जाए। यानी कि इसको भी मान लीजिए दो दिन क्लास ये हुआ तो दो दिन क्लास हो, और ये एक बात समझिए, ये चार पांच क्लासेस में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चार क्लासेस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग सात आठ क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा, जो VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्लासेस लगातार नहीं होगा, मान लीजिए दो दिन ये क्लास हुआ तो दो दिन क्या ये भी क्लास होगा, क्योंकि आपने पेपर वन अगर पढ़ लिया है तो इसका रिवीजन तो भी करना जरूरी है। तो पूरा रिवीजन तो करेंगे नहीं, जो हम 13 को चैप्टर पढ़ाए हैं 13 चैप्टर का रिवीजन तो करेंगे नहीं। रिवीजन कौन सा करना है, अगर आपको पता चल जाएगा कि VBI क्वेश्चन ये है तो वही सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होगा, नहीं तो पूरा आप रिवीजन करते रह जाइएगा, पूरा सब कुछ रिवीजन कीजिएगा। तो सब कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना रिवीजन करना है वही जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 को चैप्टर पढ़ाए हैं पेपर वन में, तो 13 चैप्टर का तो रिवीजन नहीं कीजिएगा और सभी क्वेश्चन का तो रिवीजन नहीं कीजिएगा। इसीलिए ये जो VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं, साथ में पेपर टू का भी क्लासेस जारी ही रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है, चलिए ये पढ़ाए हैं हड़प्पा सभ्यता में, कहां पर स्थित है कालीबंगा, आपको याद भी होगा राजस्थान में और गुजरात, पंजाब या डी हिमाचल प्रदेश। तो ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ये जिला भी पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये गंगानगर ये जिला में स्थित है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है, और कालीबंगा का जो अर्थ होता है काली चूड़िया होता है, ध्यान रखिएगा, काली चूड़िया होता है, कालीबंगा का जो अर्थ होता है ये काली चूड़िया होता है। और किस नदी के तट पर है ये घाघरा, या घाघरा नहीं, ये घाघर नदी बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे घाघरा पढ़ देते हैं, ये घाघर नदी है, ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी दूसरा है, घाघर नदी के तट पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके खोजकर्ता, तो खोजकर्ता अमलानंद घोष है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। बाकी इसके बारे में, हाँ, जूता हुआ खेत, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पर मिला है, यहीं पर कालीबंगन में, यानी कि गंगानगर जिला में स्थित है। काली चूड़िया इसका अर्थ होता है, घाघर नदी के किनारे, और जूता हुआ खेत मिला हुआ है, राजस्थान में है। चलिए, इसके बारे में पूरा डिटेल क्लियर हो गया कालीबंगा के बारे में, आगे बढ़ते हैं। ये सब आप नोट्स बनाते रहिएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये नोट्स बनाएंगे तो अभी तो देखिए वो नोट्स जो आप बनाए हैं उससे भी पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में ये भी नोट्स बनाते रहिए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए, तो इसी से रिवीजन आपको करना होगा, और उससे भी रिवीजन, ये नहीं कि जितना हम बताएं सिर्फ यही मत रिवीजन कीजिएगा, यही क्वेश्चन नहीं, जो हम पूरा पढ़ाए हैं उसको भी रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विशाल अन्नागार कहाँ पाए गए थे, कालीबंगा में, लोथल में, आलमगीरपुर या हड़प्पा में, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, यानी अन्न रखने वाला जो भवन है विशाल पाया गया। लेकिन अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग अलग ऑप्शन में रहे तो इन दोनों में से कहाँ पर सबसे विशाल पाया गया, तो ये मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल अन्नागार पाया जाता है, पाया गया है। और स्नानागार भी, विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार भी कहाँ पर पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। अब एक और बात, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो खोज कब किया, किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। आप कमेंट में लिख कर ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, दयाराम साहनी ने कब किया था, और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, दयाराम साहनी ने, ये कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सामवेद जाना जाता है, सामवेद क्यों जाना जाता है, किस कार्य के लिए जाना जाता है, कर्म कांड के मंत्र के लिए, संगीत के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, या देवताओं की स्तुति के लिए। तो सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है, आपको पता है कि सामवेद में सातों सुर जो है वो सामवेद में ही मौजूद है, सा रे गा मा पा धा नि सा, सात गो सुर है वो
सामवेद में ही है और ऋचाओं की जो संख्या है 1875 ऋचाएं इसमें, ध्यान रखिएगा सामवेद में कितनी 1875 ऋचाएं हैं। और मुख्यतः इसमें अगर स्तुति की बात करें तो सूर्य की स्तुति किया जाता है, या मुख्य रूप से संगीत समझ लीजिए बस कि इसमें संगीत के बारे में वर्णन है और ये गाना के बारे में वर्णन है, संगीत के बारे में वर्णन है। और देखिए ये संगीतों की उत्पत्ति यहीं से सामवेद से ही मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें से खारवेल का अभिलेख कौन है, नासिक, जूनागढ़ अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, हांथी गुफा अभिलेख। तो खारवेल का कौन सा अभिलेख, हांथी गुफा। खारवेल का संबंध कालिंग से है, ध्यान रखिएगा ये कालिंग से है। खारवेल का संबंध कहाँ से है, कालिंग से खारवेल का संबंध है और कालिंग की राजधानी तोसली है, तोसली, कालिंग की राजधानी तोसली। और एक बात, खारवेल ने किसको हराकर हांथी गुफा अभिलेख लिखवाया था, पुष्यमित्र शुंग को, ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंग को, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग को हरा कर खारवेल ने हांथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र निहित है ऋग्वेद रामायण महाभारत इन में से कोई नहीं थे, ऋग्वेद में निहित है गायत्री मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था, जो चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन है वो किसने किया था, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या डी काला अशोक। तो चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क ने कुंडल वन में किया था, कुंडल वन, कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। किसने किया था, कनिष्क ने प्रथम शताब्दी में, ध्यान रखिएगा कब किया था, प्रथम शताब्दी में कनिष्क ने ये आयोजन करवाया था, प्रथम चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन में करवाया गया था प्रथम शताब्दी में ये कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कवि थे, कौन थे, महासेन, हरिसेन, कालिदास या डी पतंजलि। तो ये समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन थे, इन्होंने ही समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, प्रयाग यानी इलाहाबाद अभिलेख प्रशस्ति लिखवाया था, ये किसके बारे में है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में, समुद्रगुप्त ने कैसे पूरे भारत को जीता, क्या क्या किया, इसके जीत के बारे में पूरा वर्णन है किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में, और किसने, हरिसेन, इसके दरबारी कवि द्वारा लिखवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीनयान संप्रदाय संबंधित वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से बौद्ध धर्म से जैन धर्म, आपको पता है कि हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है और एक महायान इसके शाखा है, महायान और हीनयान दो गो शाखा बौद्ध धर्म का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा स्थल रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर कौन सा स्थल है जो रावी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मोहनजोदड़ो, काली बंगाल, लोथल और उसके, और ये इन्हीं चारों में से बताना है कौन है जो रावी नदी के तट पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हड़प्पा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। तो और एक और बात आप कमेंट में लिख करिए, जरूर बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो जो कि सबसे प्रसिद्ध नदी है कौन से नदी के तट पर है, काली बंगा अभी बताए घाघर नदी के तट पर है, घाघर नदी के तट पर है। और ये इसकी देखिए, और इसकी बात करें, ये लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा। आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, कालिदास, वाणभट्ट, पतंजलि या डीन में से कोई नहीं थे, ये पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, पतंजलि। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और देखिए पेपर टू का भी क्लासेस चालू रहेगा, ध्यान रखिएगा ये पेपर टू का भी क्लासेस चालू रहेगा और ये भी साथ साथ होता रहेगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।